हेलो एवरीवन, वेलकम टू काजल हैंडमेड आर्ट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रम डोर तोरण, जिसकी वीडियो साइड में है और शूट मैंने बाद में किया है ये डालने के लिए आप लोगों के सामने। अगर आपको वो मैक्रम डोर तोरण की डिज़ाइन पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और अगर आपको बनाना नहीं आता है या फिर बनाना सीखना नहीं चाहते, परचेस करना है, तो आप मुझसे भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं ये प्यारा सा डोर तोरण, जो कि बहुत सुंदर है, जिसके डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा डोर तोरण है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि मेरी आईडी पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आई एम काजल साहू या राधे राधे कलेक्शन पर, किसी पर भी आप डीएम कर सकते हैं और आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपको ये एडवांस पेमेंट पर डिलीवर होम पर हो जाएगा, मतलब डिलीवरी मिल जाएगी लेकिन आपको पेमेंट एडवांस ही करनी पड़ेगी। और हाँ, नो रिटर्न नो रिफंड बिकॉज ऑफ मेरा यूट्यूब चैनल है। आप अनबॉक्सिंग वीडियो देंगे और आपके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो आप मुझे रिटर्न और रिफंड डालेंगे, नहीं तो मैं जब पैकेजिंग करूँगी ना तभी आपको वीडियो शेयर कर दूँगी कि भाई मैंने रखा क्या है। अगर आपके पास कुछ और आता है तो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करनी पड़ेगी मेरे साथ। मैं आपको जब पैक करूँगी तब की वीडियो शेयर कर दूँगी और आप मेरे साथ अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर करेंगे। अगर फिर गलती से माल कोई गलत चला जाता है उनसे, तो फिर मैं अपनी वहाँ पर जो डिलीवरी टीम है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान ना हो कि आप एडवांस पेमेंट कर देंगे, भाई नहीं नहीं मैं दो दो इंस्टाग्राम अकाउंट दो दो यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। सो आप लोग इसे देखने के लिए आगे वॉच करिए मेरी वीडियो। और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आई एम काजल साहू आईडी पर, जिसकी मैं अभी अभी रील्स बनाकर आ रही हूँ। एंड मेरे यूट्यूब चैनल है काजल साहू ऑफिशियल। सो आप मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल जो मुझे पर्सनल डिटेल शेयर करता है, आप उस पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम डोर तोरण बनाना। सो गाइस, मैंने ले लिया है ये कड़ा, जो कि आप स्टील की कड़ा भी ले सकते हैं, स्टील की रिंग भी ले सकते हैं और आप एक कोई सी कंगन या चूड़ी भी ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल रहे। आप लोग इस टाइप के कड़े भी आते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, कांच के कड़े नहीं, उस टाइप के आते हैं मजबूत वाले, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको इसमें ले लेना है जो 5 नॉट्स, तो मैंने ये फर्स्ट नॉट डाल दिया। देन मैं उसके बाद सेकेंड नॉट ले रही हूँ। इसी तरीके से आपको 5 नॉट कंप्लीट कर लेना है। देन इसके बाद आपने सेंटर वाला नॉट लेना है, 5 में से 4 इस साइड के छोड़ के, 4 उस साइड के छोड़ के सेंटर वाला नॉट लेना है। दोनों साइड से उसको एक सा करना है। देन उसके बाद उसमें मोती डालना है। मोती डालने के बाद आप इसको इसमें नॉट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने मोती डाल लिया, आप लोग देख सकते हैं। देन आपको लेना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इन 4 कॉर्ड्स के उसकी नॉट लगानी है। आपको 2 बार घुमाने पे आपकी एक नॉट कंप्लीट होगी। जिस तरीके से मैंने ये 2 बार घुमाया है, आपको ऊपर से लेके अंदर से निकाल के एक नॉट कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरीके से आपको 4 कॉर्ड्स की 8 नॉट्स लगानी है, मतलब 4 नॉट लगानी है, मतलब आपको 8 बार घुमाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको सेम प्रोसेस इस तरफ करनी है, अपने एक कॉर्ड लेना है। देन उसको इसी तरीके से लेके ऊपर से अंदर साइड से घुमा के एक बार घुमाने के बाद, फिर दूसरा घुमाने के बाद एक नॉट कंप्लीट हुई। इसी तरीके से आपको दूसरा कॉर्ड लेना है, फिर उसको एक बार घुमाया, सेकंड बार घुमाया, ये दूसरा नॉट कंप्लीट हुआ। देन इसी तरीके से तीसरी बार में आपको एक नॉट घुमाया, फिर सेकंड नॉट घुमाया, ये 3 नॉट। देन उसके बाद इसी तरीके से एक बार घुमाया, सेकंड नॉट घुमाया, ये 4 नॉट। आपने इस तरीके से 4 नॉट कंप्लीट किया। अब उसके बाद मैंने इसमें बीच में नॉट्स लगाना स्टार्ट किया। सेम इसी प्रोसेस में आपको बीच में नॉट्स लगाना है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने ये लेना है, उसके बाद इसमें आपने इस तरीके से घुमा के आपको नॉट्स कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैंने ये ले लिया है, इस तरीके से आप इधर पे इस तरफ से ले लीजिए। सेम इसी तरीके से आपको नॉट्स लगा के कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से आपने यहाँ पे नॉट लगा के कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद आपने इनको 4 करके डिवाइड कर लेना है। देन ये जो कॉर्ड छूटा हुआ है इसको आपने लेकिन नॉट्स लगा लेना। यहाँ पे आप मोती बीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा राउंड शेप में लुक देना था, इसलिए मैंने मोती बीट्स का वो नहीं दिया है, क्योंकि फिर उसमें राउंड शेप नहीं आ पाता। देन इसी तरीके से आपने इसमें नॉट्स लगाना है, 4 नॉट्स इस तरफ लगा लेने हैं और सेम 4 नॉट्स उस तरफ से लगा लेना है। देन आपके ये 4 नॉट्स कंप्लीट हो गए हैं और ये कॉर्ड आपका छूट जाएगा बीच में। सेम इसी तरीके से आपको इस तरफ से नॉट लगाते हुए आना है। ये लगाया मैंने 1 नॉट। देन इसी के बाद मैं अपने बाकी के नॉट्स इसी तरीके से लगाते जाऊंगी। जिस तरीके से आपने ऊपर साइड घुमाया था, सेम इसी प्रोसेस में आपको नीचे साइड घुमाना है। ये मैंने लगा लिए हैं 4 नॉट्स।
अब देन उसके बाद इसमें डालना है, आपको घुमाना है इस तरफ के कॉर्ड से एक बार और इसको घुमाकर इस डिज़ाइन को राउंड शेप में कंप्लीट करना है, थोड़ा सा राउंड शेप लेने में। देन इसके बाद आपने लेना है एक मोती, मोती डालना है, मोती डाल के इसको फिर यही सेम प्रोसेस आपको इसको डिवाइड करके आपको फिर से कॉर्ड लेना है, इसको फोर को घुमाना है और सेम यही डिज़ाइन आपको नीचे रिपीट करनी है। इसलिए आपको इस तरीके से आपको फोर पार्ट में फिर से डिवाइड करना है और इसको टू पार्ट में डिवाइड करके फोर कॉर्ड से इसमें नॉट्स लगानी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है और सेम इसी तरीके से आपको घुमा के इस तरफ ऐसे बनाना है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग इसको देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर बीच में आपको उसी तरीके से दो कॉर्ड इधर करके नॉट्स लगाना है। ये देखिए आपने एक नॉट यहाँ से कंप्लीट किया, दो बार घुमाने के बाद मैक्रम का कोई भी कॉर्ड सही से लगता है, इसलिए इसको दो बार घुमा कर उसे एक नॉट कहते हैं और राउंड दो बार लेना पड़ता है। इसी तरीके से आपको पूरी प्रोसेस करते हुए इसे बना लेना है। सेम ये बन गया है, फिर मोती डालना है और फिर आपको इसी तरीके से गुथना स्टार्ट करना है। देन आप लोग देख सकते हैं आपको इसी तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। जितना आपके डोर का साइज़ हो आप अपने अकॉर्डिंग डोर का बना सकते हो। वैसे डोर तोरण में ये आपके 12 से 13 नॉर्मल छोटे डोर के लिए और 16 से 17 बहुत बड़े डोर के लिए भी बन जाएगा। इसी तरीके से एंड में आपने नॉट लगा लेना है और ये इतने से टुकड़ों के रूप में छोटे छोटे कॉर्ड बचे हैं। तो अब आपको आपका रिंग लेना है एक और, उसमें नॉट्स लगाना स्टार्ट करना है। आपको साइड से नॉट्स लेना चालू कर देना है या सेंटर से, आपको जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे। आप एक कॉर्ड छोड़ के एक कॉर्ड से नॉट्स लगाइएगा, 5 नॉट्स लगाने हैं। तो आपने 5 नॉट्स लगाने के लिए आपने इस तरीके से एक रिंग लेना है और अब आपको 5 नॉट्स लगाना स्टार्ट करना है। आप सेंटर वाले से स्टार्टिंग करेंगे, देन उसके बाद साइड से। ये देखिए मैंने एक नॉट लगाया, सेम इसी के बाद सेकेंड वाले से मैंने सेकेंड नॉट लगाया, देन इसी तरीके से थर्ड वाले से थर्ड नॉट लगाना है। इसी तरीके से मोती वाले से लगने के बाद पांचों साइड से लगने के बाद कट करके उसको जोड़ देना है। ये कट कर रही हूँ मैं, उसके बाद आपको चिपका देना है। ये मैंने चिपका लिए हैं, देन आपको यहाँ पे लाइटर की हेल्प से इनको चिपका लेना है नीचे अंदर की साइड। अब आप देख सकते हैं मेरी पूरी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब आपको इस टाइप की पट्टी बनाने के लिए आपको इसमें कॉर्ड लेने हैं। मैं आपको कॉर्ड डाल के दिखा रही हूँ, आप इसमें कॉर्ड डालिएगा। मैंने तीन तीन कलर में बनाया है, पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। देन इसके बाद मैंने इसमें लिया है येलो कलर का कॉर्ड। अब ग्रीन के बाद मैंने डाला येलो कलर का कॉर्ड। अब आप इसमें रेड भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, ग्रीन भी डाल सकते हैं, या फिर आप एक कलर की भी पूरी पत्तियां कर सकते हैं। एज यू विश, आपकी मर्जी हो, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो ले लिया है, देन उसके बाद अब मैं रेड कलर भी लूँगी यहाँ पर। अब आपको डालना है 5 कॉर्ड्स, मैंने एक डाल लिया है, देन उसके बाद मैं सेकेंड कॉर्ड डाल रही हूँ, देन उसके बाद मैंने 5 कॉर्ड कंप्लीट कर लिए। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ रेड में आपको डाल के दिखा रही हूँ। आपने ले लेना है एक रेड कलर का कॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्रम लगता है। बहुत छोटी सी पत्ती दिख रही है लेकिन बहुत ज़्यादा मैक्रम लग जाता है इसमें है। सो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ही मैक्रम लें, ये ना सोच के लें कि ये पत्तियाँ हैं। नहीं भाई, जितना आपका मैक्रम पट्टी में खर्च नहीं होता, इतना पत्ती में खर्च हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आप पत्ती की डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप पत्ती की डिज़ाइन में आप इस तरीके से इन्हीं पत्तियों को जोड़कर आप एक फ्लावर की भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं फ्लावर की वीडियो अलग से डाल दूँगी। देन अब आपको ये 6 टाइम घुमाना है। एक बार घुमाने के बाद इसको छोड़ते जाना है, देन उसके बाद आपको सेकेंड टाइम घुमाना है। ये एक बार घुमाने के बाद आपको छोड़ लेना है, देन उसके बाद आपको फिर सेकेंड कॉर्ड से फिर घुमाना है। इसी तरीके से आपको घुमाते चलना है और तिरछे में एक पत्ती की कली डिज़ाइन बना लेना है। एक पत्ती की एक कली बनानी है आपको। सो इसी तरीके से प्रोसेस करते हुए, घुमाते घुमाते हुए, डिज़ाइन देते हुए, एडजस्ट करते हुए आपको बनाते चलना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन देना स्टार्ट कर दी हूँ। और आपको ये पूरे कॉर्ड में से इसको निकाल लेना है इसी तरीके से घुमाते हुए। थोड़ी सी मैं वीडियो फास्ट करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वीडियो अगर मैं फास्ट नहीं करूँगी तो इतनी स्पीड में मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। सेम अभी एक बढ़ाते जाना है, यहाँ से पीछे से एक छोड़ते हुए जाना है। तो मैंने एक कॉर्ड छोड़ा, अब आपको वो 5th नंबर के कॉर्ड से घुमाना है। यहाँ से ये एक कॉर्ड छोड़ा, अब उसके बाद आपको इस तरफ से घुमाते चलना है। यहाँ सेम यही प्रोसेस में घुमाते हुए जाना है। जिस तरीके से उस पिछले वाले घुमाया, सेम उसी प्रोसेस में आपने इन सारे कॉर्डों से इसको घुमा लेना है, जिसके बाद आपकी एक कली और तैयार हो जाएगी जो कि पत्ती बनाने में बहुत हेल्प करेगी। देन आपको पीछे से एक कॉर्ड छोड़ देना है और ये ऊपर वाला कॉर्ड इसमें ले लेना है। उसके बाद आपने एक कॉर्ड फिर छोड़ना है और आगे वाले कॉर्ड से इसको कली देना स्टार्ट कर देना है।
यहाँ से एक कॉर्ड फिर छोड़ा है, देन उसके बाद हमने कली देना स्टार्ट किया है और ऊपर वाले कॉर्ड को इसमें अटैच करते हुए जाना है। इस तरीके से यहाँ पे इसको घुमाते हुए जाना है और एक के बाद एक कॉर्ड छोड़ते हुए चल जाना है। यहाँ पे फिर मैंने एक कली दे दी है सेम इस तरीके से, फिर एक कॉर्ड लिया है और एक कॉर्ड को छोड़ दिया है। यहाँ पर फिर ऊपर के कॉर्ड को इसमें अटैच किया, इसको 6 times करना है। ये 3 times हो चुका है एंड आपको 6 times इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए 4 times हो गया है। अब इसको 5th time करके दिखा रही हूँ मैं इसमें घुमाने में। ये देखिए 5th हो गया और अब ये हो चुका है 6th का प्रोसेस। अब ये हो चुका है 6th बार घुमाना। तो ये 6 बार घूमने के बाद आपको ऊपर का कॉर्ड लेना है और नीचे साइड उसको नॉट्स लगाते आना है। आपने मोती लेना है, इसमें बीड्स डालना है और देन उसके बाद आपको इसको घुमा लेना है इस तरफ अंदर की साइड को और इसमें कॉर्ड लगाना स्टार्ट कर देना है। पहले आपने 3 starting के 4 cords लेने हैं और एक कली कंप्लीट करनी है। यहाँ पर इसी तरीके से आपको ये 4 cords में नॉट्स लगाना है। जिस तरीके से आप उस तरफ से नॉट्स लगाते आ रहे थे, सेम इस प्रोसेस को इधर भी वैसे ही प्रोसेस करना है। अब आपने ये 2nd cord लगाया है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है 3rd cord। ये 3rd cord घुमाना है, देन इस तरीके से आपको 4th cord लग के नॉट्स लगाने हैं। इसमें 1, 2 ये जेंटे है 4th cord। अब देन इसी तरीके से आपको यहाँ पे 2nd cord लेना है और इसको यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया। अब 2nd cord जब आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, 3rd cord आएगा तो वो उसके बराबर होना चाहिए। 2nd cord को इक्वल करने के लिए आपने कॉर्ड लेना है, देन इसको गुथना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कि ये पूरे कॉर्ड ले लेने हैं यहाँ तक के, जिससे वो उस तरफ जाके जुड़ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टार्ट किया है घुमाना, आई थिंक सो नॉट्स लगाना। सो आप लोग समझ जाइए मेरी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है बोलते बोलते, क्योंकि मैं इनको अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ। आप नॉट्स लगाना भी समझ सकते हैं, कॉर्ड लगाना भी समझ सकते हैं, कॉर्ड घुमाना समझ सकते हैं, जैसा भी आपको समझना हो। इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं, अब आपने यहाँ पे एक कॉर्ड और ले लेना है और एक और नॉट लगानी है। एक एक जोड़ते जाना है और नॉट लगाते जाना है। यहाँ पर सेम इसी तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक, देन उसके बाद 2nd knot लगाना है, देन उसके बाद 3rd knot लगाना है, देन उसके बाद यहाँ पे 4th knot लगाना है, देन ये 5th knot लगाना है। देन इसी तरीके से नॉट लगाते हुए नीचे तक प्रोसेस करना है, फिर इधर से इस तरीके से नॉट लगाना और ये 6 knot कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ये कट करके पीछे स्टिक कर देना है। देन आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो 1st वाला कॉर्ड है उसको साइड वाले कॉर्ड से अटैच भी कर सकते हैं। इधर से आपने नॉट्स लगाते हुए चलना है और पूरी कली इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब ये मेरा पूरा डोर तोरण कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल डिजाइन और पीछे मैं आप लोगों को ये डोर तोरण पूरा अटैच करने के बाद कंप्लीट हो गया। ये देखिए मैंने 2 rings लिए थे, कैंची ली थी, सीजर लिया था, कुछ मोती लिए थे, कुछ लटकन लिए थे, कैंची ली थी और ये 2 colors का मैक्रम लिया था 3 colors का। और ये देखिए पूरा डोर तोरण रेडी हो चुका है। ये उसकी लास्ट में मैंने पिक्चर निकाली थी, वो शेयर करी है, आप लोग देख सकते हैं। ये उसकी मैंने वीडियोज़